देखो ये नोटबुक ओपन करनी पड़ेगी आपको इसके लिए, फॉर्मूला बुकलेट नोट प्लीज ओपन करो, फॉर्मूला बुकलेट। उसके अंदर आपने एक फॉर्मूला लिखा होगा फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स लाइक ग्रेविटी फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी का ये रिलेशन याद है, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स माइनस डी यू बाई डी आर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक लिखा था आपने। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन में यू गिवन है माइनस फाइव इंटू एक्स और आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है, तो आंसर क्या होगा। उसी तरीके से अगर यू की वैल्यू क्या होगी इसमें सेवन इंटू वाई, आपको फोर्स निकालनी है। उसी तरीके से अगर एनर्जी कितनी है माइनस सेवन इंटू जेड और आपको फोर्स निकालनी है, ये क्वेश्चन है। क्योंकि क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी किसी भी टर्म में किसी भी उसमें गिवन होगी, एक्स में वाई में जेड में, और आपको वैल्यू ऑफ फोर्स निकालनी है क्या है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होगा, f की वैल्यू माइनस डी यू बाई डी एक्स ये लगेगा, तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ u की वैल्यू क्या है माइनस फाइव एक्स, तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस माइनस प्लस हो गया और क्या आ जाएगा फाइव, डी एक्स बाई डी एक्स इज वन। लेकिन अगर आपको एनर्जी y की फॉर्म में गिवन है तो f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी वाई, तो f इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी वाई ऑफ u, u क्या है माइनस सेवन वाई, तो आंसर क्या जाएगा सेवन। मेरे कहने का मतलब कि अगर x गिवन है एनर्जी में तो डी u बाई डी एक्स लगा लेना, अगर y गिवन है माइनस डी यू बाई डी वाई लगा लेना, और ऐसे इसमें क्या लगा लेना माइनस डी यू बाई डी जेड लगा लेना, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस सेवन इंटू डी जेड बाई डी जेड क्या है वन, तो आंसर क्या आ गया माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सेवन। मेथड समझ में आ रहे हैं यहां तक। ठीक है, कोई डाउट इसमें। अब नेक्स्ट इसमें जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि गिवन u इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन मीटर। अब जब मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा वो कहता आंसर तो जीरो है, मैंने कहा क्यों, कहता देखो एक्स को पुट किया कितना आया माइनस थ्री, माइनस थ्री इज अ कॉन्स्टेंट, एक्स इज इक्वल टू माइनस यू बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट डिफ्रेंसिएशन जीरो। फिर मैंने कहा अच्छा एक काम कर एक्स को टू पुट कर, अब बोल, कहता अब भी कॉन्स्टेंट, क्योंकि जब टू पुट करोगे तो एनर्जी में टू आ जाएगा कॉन्स्टेंट, तो भी जीरो। मैं थ्री पे, कहता जीरो। मैंने कहा जो मतलब कुछ भी हो जाए आंसर जीरो ही जीरो रहेगा तेरा, क्या गलती कर रहा है, पहले डिफ्रेंशिएट करना चाहिए बाद में एक्स की वैल्यू को पुट करना है, याद है इंस्टेंटेनियस वैल्यू में करते थे हम, तो आप प्लीज़ पहले मत पुट कर लेना। एफ इज इक्वल टू पहले क्या करें माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू की जगह क्या माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, थ्री इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, थ्री इंटू टू एक्स कितना आएगा सिक्स एक्स, तो अब एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर इक्वल टू वन मीटर, तो फोर्स की वैल्यू क्या जाएगी सिक्स न्यूटन। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक।
राइट, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जिन क्वेश्चन में एनर्जी एक्स की फॉर्म में गिवन है तो माइनस डी यू बाई डी एक्स, वाई की फॉर्म में गिवन है माइनस डी यू बाई डी वाई, जेड की फॉर्म में गिवन है माइनस डी यू बाई डी जेड। पर अगर एनर्जी एक्स वाई जेड की फॉर्म में गिवन है, अब क्या करें? जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है इफ एनर्जी यू इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालनी है? फोर्स। प्रॉब्लम ये है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करूं? अगर तो एक्स करता हूं तो कोई कहेगा सर वाई जेड क्यों नहीं, वाई करता हूं कोई कहता है फिर एक्स जेड क्यों नहीं, और जेड करता हूं तो एक्स वाई क्यों नहीं। प्रॉब्लम है अकेला एक्स होता अगर, हाँ फिर एक्स है, अकेला वाई होता वाई है, अकेला जेड होता जेड है, एक्स वाई जेड है। अब क्या करें, क्या करें? नहीं कर सकते। नेक्स्ट बोलो, अलग अलग कर दें। ओके, वो कह रहे हैं कि ऐसा करो यू तो सबका वो है सेम है ना, यू तो सबका सेम है, तो फोर्स पहले एक्स की निकाल लो, एक बार एक्स का डिफरेंशिएट कर लो, फिर वाई के लिए अलग कर लो, जेड का अलग कर दो, वो भी खुश, वो भी खुश, वो भी खुश। करना तो ऐसा ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि तीनों के तीनों करोगे तभी बात बनेगी। तो इसके लिए आपको एक एक लास्ट मैथ का कॉन्सेप्ट सीखना है, आता है, सीखना नहीं है आपको, आता है, बस नाम चेंज करके पढ़ा रहा हूं। तो टॉपिक का नाम है पार्शियल डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव, नॉट फॉर एनसीईआरटी, ठीक। इसको बस नोट कर लें कैसे यूज करते हैं, अदरवाइज इसकी स्कूल में रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? देखो, जो फिर हमने क्या किया, हमने कंप्लीट डेरिवेटिव किया, ये पार्शियल डेरिवेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, मान लो ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हैं, अगर ये फुल डेरिवेटिव है ना तो पता है क्या करना पड़ेगा, एक बार एक्स बाहर इंटू डी वाई बाय डी एक्स, एक बार वाई बाहर इंटू डी एक्स बाय डी एक्स, ये लो, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कुछ भी नहीं करना, यू इंटू वी का फॉर्मूला लगा सकते हो और तो कुछ नहीं कर सकते। अगर मान लो सेम क्वेश्चन आता है फुल डेरिवेटिव में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या कर सकते हो? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना, ये टू एक्स आ जाएगा और ये टू इंटू वाई इंटू क्या आएगा, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। आंसर क्लियर है यहाँ तक? तो ये वैल्यू आ जाएगी, कोई डाउट इसमें? कह रहा हूँ ये हमें आता है। अब हमने क्या सीखना है? अब हमने सीखना है, मतलब ये तो मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ, हमने से किया हुआ है। अब हमने देखना है पार्शियल। देखो पार्शियल का सिंबल ये होता है, आपको कि ये कैसा है, नाम भी तो पार्शियल है, पूरा डी नहीं बनाया, उसे आधा डी बना के छोड़ दिया, पार्शियल है, ठीक है। तो पार्शियल डी एक्स बाई, रूल वही है, डी एक्स बाई डी एक्स इज वन, ऐसे ही डी वाई बाई डी वाई पार्शियल वन। तो अगर कोई कहे सर ये क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वही रूल है टू इन टू एक्स, तो फिर फर्क क्या है? बस एक सिंबल ही फर्क है, नहीं सिंबल फर्क नहीं है, फर्क यहां पर है कि अगर आप सपोज इसमें d बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई करते हो, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव में अगर डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो x वेरिएबल माना जाता है, इसके अलावा कोई मर्जी सिंबल हो वो कांस्टेंट ही माना जाता है। फुल में पूरे रिस्पेक्ट है, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, u इंटू वी का फॉर्मूला, इसके अंदर आपको कहता है जी x की डिफरेंशिएशन है ना तो y कांस्टेंट है, बताने की जरूरत ही नहीं कि y कांस्टेंट है कि नहीं, अगर पार्शियल है बाय डिफॉल्ट y इज अ, जबकि फुल में नहीं होता था,
तो इसमें क्या होगा, वाई कॉन्स्टेंट आ गया, क्या बचा डी एक्स बाय डी एक्स, तो जो कि वन होते हैं, आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा वाई। मतलब इसमें यू इंटू वी का फॉर्मूला तो है ही नहीं ना, बस कॉमन निकाल दो, जो अगर डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो वाई इज अ कॉन्स्टेंट, बाहर आ गया डी एक्स बाई डी एक्स वन, जबकि फुल के अंदर यू इंटू वी, एक बार एक्स की डिफ्रेंसिएशन एक बार वाई की डिफ्रेंसिएशन, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें इन शॉर्ट ये भी बोल सकते हो, ऐसा होता है कि जैसे मान लो y इज अ कॉन्स्टेंट, अगर फुल फुल के अंदर और पार्शियल में ये फर्क है ना, y इज अ कॉन्स्टेंट, तो y इज अ कॉन्स्टेंट में इसको बाहर निकाल लिया तो dx एक्स बाई वन हो गया, और अगर u इंटू वी लगा भी लोगे तो भी आंसर एग्जैक्टली सेम ही आएगा, क्योंकि y को कॉन्स्टेंट मानना पड़ेगा। जैसे मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपको आ गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ मान लो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, कोई बात नहीं x के साथ डिफ्रेंसिएशन है ना, तो y और z क्या मानने पड़ेंगे कॉन्स्टेंट, तो ये दोनों को पहले बाहर निकाल लो, क्या बचा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इंटू टू इंटू एक्स की पावर वन इज द आंसर, ठीक है, यहाँ तक सही है ना। अब जैसे सपोज पार्शियल के अंदर ये क्वेश्चन आता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ, देखो एक्स के साथ डिफ्रेंसिएशन है, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट जीरो, तो आंसर क्या आएगा टू एक्स आंसर। ये तो बहुत आसान कर गया, बस वाई और जेड को कॉन्स्टेंट ही तो मानना है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, समझ में आ रहा है यहाँ तो, ये पार्शियल है बस और कुछ नहीं है, ठीक है। और मुझे लगता है इसके बाद मैं मैथ्स सिखाऊंगा कभी आने वाले टाइम में, अब कुछ नहीं सीख रहा, हो गया खत्म, बेसिक कोर्स ऑफ मैथ्स कंप्लीट है। आंसर देखो अभी दिखाता हूँ आंसर कैसे आएगा, यहाँ तक क्लियर है, देखो आंसर ऐसे ठीक आएगा, लिखो फॉर्मूला कि अगर u की वैल्यू जैसे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर गिवन है एंड आपको फोर्स निकालनी है या फोर्स वेक्टर निकालना है कंजर्वेटिव सिस्टम में, जब x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू जब 1 है, ये निकालना है क्या होगा इसमें, ठीक है। तो रूल नंबर 1 फॉर्मूला लिखो, एक पहले फोर्स निकालने का फॉर्मूला है माइनस पार्शियल, कब जब एक्स वाई जेड तीनों चीजें होंगी तब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई कैप, क्योंकि एक्स वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा हूं तो एक्स के साथ आई कैप लगेगा, डी यू बाई डी वाई जे कैप, डी यू बाई डी जेड के कैप, ये लो ये फॉर्मूला लिखो प्लीज, दिस इज ए फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखो यहाँ तक क्लियर है, ये फॉर्मूला है प्लीज, अब यूज करके देखते हैं फॉर्मूला, हाँ लिख लो,
तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको ऐसे करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप, प्लस डी बाई डी वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप, प्लस डी बाई डी जेड ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कैप, ये लो। ठीक है, तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? इसमें एफ वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x। ये और ये क्या माने जाएंगे, कांस्टेंट, छोड़ दो पता ये जीरो आएगा, पीछे आई कैप। फिर नेक्स्ट, इसको और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो, सिर्फ y के डिफ्रेंशिएशन होगी, डन। फिर इसको और इसको करेंगे जीरो तो क्या आएगा, 2z के कैप, ये लो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इसके अंदर x को y को और z को इक्वल टू 1 पुट करें, f फैक्टर इज इक्वल टू माइनस 2i कैप 2j कैप 2k कैप इज द आंसर। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, मार्क कर लेना। ठीक है यहाँ तक?